पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालय में दिया गया, जिसमें 36% की आरक्षण की मांग की गई। झारखंड में पिछड़ों की आबादी 56% के लगभग है और वर्तमान में झारखंड में पिछड़ों को मात्र 14% रिजर्वेशन मिल रहा है। दुमका जिला में तो भी 0 हो गया है। हम लोग झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि पिछड़ों की आबादी के अनुरूप झारखंड सरकार झारखंड में पिछड़ों को 36% आरक्षण दे सरकारी नौकरियों में, और हर विभाग में 36% पिछड़ों का आरक्षण मिलना चाहिए। ये हम लोगों का मांग आज से नहीं, 2003-04 से ही लगातार जारी है, लेकिन न वर्तमान सरकार न पूर्व की कोई सरकार हम लोगों की बात को सब सरकार हम लोगों की बात को अनसुना कर रही है। और अगर यदि पिछड़ों को 36% आरक्षण नहीं दिया जाता है तो अब पिछड़ा आर पार की लड़ाई के मूड में आ गई है। आने वाले दिनों में पूरे झारखंड में हम लोग पिछड़ा समाज एक राज्य स्तरीय बड़ा महारैली करेंगे और सरकार को हिलाने का काम करेंगे और जगाने का काम करेंगे। मैं जयप्रकाश यादव, झारखंड पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष, हमारे झारखंड पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय लालचंद महतो जी हैं, पूर्व ऊर्जा मंत्री रहे हैं, उसी के नेतृत्व में झारखंड में पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा का गठन हुआ है और पिछड़ा का हक अधिकार का लड़ाई हम लोग 2002 से लड़ते आ रहे हैं। मैं पिछड़ा संघर्ष मोर्चा के प्रदेश महासचिव हूँ पप्पू राउत, जो इस धरना को विशेष रूप से यहाँ कराने और प्रदेश कार्यालय माननीय केंद्रीय अध्यक्ष लालचंद महतो जी के निर्देशानुसार मैं यहाँ पहुँचा हूँ। क्यों मांग रहे हैं आप लोग 36% आरक्षण? आरक्षण इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि संविधान में ऐसी व्यवस्था है और संविधान में जो व्यवस्था हम लोग को दी गई है उस अनुरूप जिस समय बिहार और झारखंड संयुक्त रूप से केंद्र सरकार ने तो 27% आरक्षण बोल दिया है राज्य को लागू करने के लिए। केंद्र सरकार की बात राज्य सरकार ने कहाँ मान रही है? ना ही रघुवर सरकार ने माना, ना ही आपका अभी के हेमंत सरकार जी मान रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब लोग नियोजन के लिए जगह जगह जो जा रहे हैं हर कार्यालय हर विभाग में, अब वहाँ से वो नाराज होकर आ रहे हैं और इसी स्थिति में आज बेरोजगारी की स्थिति तमाम झारखंड स्तर पर बढ़ गई है और इससे पहले जो कोरोना का मार झेल रही है जिसके कारण हमारे इस वर्ग को जो वाजिब हक मिलना चाहिए उस हक को हम लोगों को सरकार ने नहीं दिया। मैं बात आपका सही है। सीताराम मंडल, झारखंड पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के प्रदेश सचिव, माननीय लालचंद महतो जी के दिशा निर्देश और जयप्रकाश वर्मा जी पूर्व विधायक के दिशा निर्देश के अनुसार आज झारखंड की उपराजधानी दुमका जिला में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे साथ में हमारे बीच प्रदेश उपाध्यक्ष जयप्रकाश यादव जी हैं, प्रदेश महासचिव पप्पू राउत जी हैं, हमारे मित्र राजीव जायसवाल जी हैं और जरमुंडी के समाजसेवी कार्यकर्ता भाई लाल मोहन जी साथ में हैं। जब जब भी पिछड़ा समाज अपने लिए नायक के खोज में निकला तो लगभग हर बार हम लोगों के सामने में एक खलनायक खड़ा मिला। झारखंड में सबसे पहले पिछड़ों का जातिगत जनगणना कराना अति आवश्यक है, जो कि जातिगत जनगणना कराने में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कतरा रहे हैं, दोनों अपने वादे से पीछे हट रहे हैं। पिछड़ों को जातिगत जनगणना अति आवश्यक है, उन्हें करा रहे हैं और अविलंब 36% आरक्षण हर हाल में उनको देना चाहिए, देना होगा, क्योंकि ये पिछड़ा समाज, पिछड़ा किसान, पिछड़ा का नौजवान सब जान चुका है कि ये सरकार जो है, ये सरकार दोनों सरकार से पिछड़ों का हित नहीं हो रहा है, ये सब पिछड़ों का अनदेखा कर रहा है। कहते हैं कि क्रांति धातु उठे जागर, आडंबर में आग लगा दो, पतन पाप पाखंड जले, झारखंड में इसी ज्वाला सुन। हम लोग पिछड़े वर्ग के लोग जाग चुके हैं और ये दोनों को जो हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं और हम लोगों के पास गज भी है और हथौड़ा भी है। अगर यदि ये सब नहीं आरक्षण दे रहा है 36% और जनगणना नहीं करा रहा है तो आने वाले समय में हम लोग
हथौड़ा से चोट भी करेंगे भी हमें और गज से नाप भी लेंगे सबको, आने तो जितना जल्दी हो सके आरक्षण 36% दे और जातिगत जनगणना कराए। धन्यवाद। मैं राजीव जायसवाल इस कार्य समिति का सदस्य हूँ और जाति जनगणना हमारी मुख्य मांग है। साथ में दूसरी मांग जो हमारी है वो है 36% आरक्षण, क्योंकि हमारा जो ओबीसी का जो जनगणना है उसमें हमारी जो परसेंटेज है वो लगभग 56% है और आज के समय में अगर जनगणना होती है तो ये जनसंख्या और बढ़ भी सकती है। तो ऐसे में जब ऊपरी आरक्षण 10% दिया जाता है बड़े वर्ग को और तुरंत उसको दे दिया जाता है, जबकि उसकी जो वैधता है वो कितनी है ये सबको पता है, वहाँ एक राजनीति के कारण सारे दल उसका सपोर्ट करते हैं, लेकिन ओबीसी की जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से तो हमें 50% मिलना चाहिए, लेकिन संवैधानिक बाध्यता को हम लोग भी मानते हैं। फिर भी हमारी मांग है, बस दो मुख्य मांगे, इसलिए हम लोगों ने मेमोरेंडम के अंदर बहुत छोटा मांग रखा है और दो ही मांग रखा है कि एक तो हमें 36% आप आरक्षण दो, जो आज दुमका जिले में खास करके शून्य बना हुआ है, झारखंड के 6 जिलों को 0 मिला हुआ है, जबकि संविधान से मंडल आयोग के द्वारा हमें 27% मिला हुआ है, उसको भी लागू नहीं कर रही है झारखंड सरकार। और झारखंड में जो पार्टियां बैठी है अभी दल में बैठी है, कांग्रेस ड्रामा कर रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा पर बात करती है, जबकि दोनों की संयुक्त सरकार है, वो जल्द से जल्द इसको दे और हम चाहेंगे कि ये मांग हमारी मांग जाए, एक तो जाति जनगणना और दूसरी 36% का आरक्षण। इन्हीं मांगों के साथ अपने विचार को सौंप